एक बार की बात है पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मिलो नाम की एक जिज्ञासु छोटी लोमड़ी रहती थी मिलो के बाल चमकीले नारंगी थे और आंखें शरारत से चमकती थी उन्होंने अपना दिन गांव के हर कोने में घूमने में बिताया जिससे गांव वाले काफी परेशान थे जो हमेशा उन्हें भगा देते थे एक धूप भरी सुबह मिलो अपनी आँखों में एक शरारती चमक के साथ उठा उसने जंगल के भीतर एक जादुई पेड़ की कहानियाँ सुनी थी जिसमें सबसे स्वादिष्ट फल लगते थे इस पेड़ को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मिलो अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा उलझी हुई झाड़ियों और बजबजाते झरनों के बीच से होते हुए मिलो ने जंगल के बीचो बीच यात्रा की रास्ते में उसे बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं से लेकर चंचल गिलहरियों तक सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा लेकिन मिलो का ध्यान एक चीज़ पर था जादुई पेड़ को ढूंढना घंटों भटकने के बाद मिलो सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पहुंच गया और वहाँ वह खड़ा था जादुई पेड़ उसकी शाखाएं हर कल्पना के रंग के मोटे रसीले फलों से भरी हुई थी बिना किसी हिचकिचाहट के मिलो ने छलांग लगाई और फलों को तोड़ना शुरू कर दिया और अपने गालों को उनकी मीठी अच्छाइयों से भर दिया लेकिन जैसे ही उसने किया कुछ चमत्कारी घटित हुआ पेड़ झिलमिलाने और चमकने लगा उसकी पत्तियां खुशी से सरसराने लगी मिलो शाखाओं से एक धीमी आवाज फुसफुसाई मुझे ढूंढने के लिए धन्यवाद आपने अपने भीतर दयालुता का जादू खोल दिया है इसके साथ ही पेड़ ने मिलो पर सुनहरी रोशनी का झरना बरसाया जिससे वह गर्मजोशी और खुशी से भर गया उस दिन से मिलो गांव में सबसे दयालु लोमड़ी के रूप में जाना जाने लगा जो अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के साथ जादुई फल साझा करती थी और जहां तक गांव वालों की बात है उन्होंने मिलो का खुली बाहों से स्वागत किया उस सबक के लिए आभारी थे जो उसने उन्हें दयालुता की शक्ति और उन चमत्कारों के बारे में सिखाया था जो जिज्ञासु होने का साहस करने वालों का इंतजार करते हैं